तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना चाहता है। अब सक्सेस का रास्ता कुछ लोगों को पता है कि कहाँ से होके जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। महान लोग जानते हैं कि कैसे उनको ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस करना है कि ताकि वो ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ें और अपनी सक्सेस तक पहुँच पाएँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आज की ये बुक समरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है डू एपिक सिट, और इस बुक को लिखा है अंकुर वारिको ने। अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, अपनी जर्नी से जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उसका निचोड़ उन्होंने इस बुक में रखा है। 6 पार्ट्स में ऑथर ने इस बुक को डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सक्सेस एंड फेलियर, दूसरा पार्ट है हैबिट्स, तीसरा पार्ट है अवेयरनेस, चौथा पार्ट है इसका एंटरप्रेन्योर, 5th पार्ट है मनी और 6th पार्ट है इसका रिलेशंस। यानी कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो इन 6 पार्ट्स में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इन 6 पार्ट्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे और बड़ी सफलता कुछ आप हासिल कर पाओगे। सबसे पहले पार्ट की बात करें वो है सक्सेस एंड फेलियर। ऑथर कहते हैं कि लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी कि असफलता से आपको सीखना चाहिए। बहुत से लोग ज़िंदगी में असफल होने से डरते हैं, वो कुछ नया शुरू ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये है कि हम असफल होंगे तो क्या होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनकी सफलता के पीछे अगर सबसे बड़ा रोल किसी चीज़ का है तो वो है उनकी असफलताओं का, क्योंकि जितनी बार वो असफल हुए हैं उन्होंने उतनी बार कुछ सीखा है और वहाँ से वो आगे बढ़े। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको असफलताओं से डरना नहीं है, असफलता आपको डराने के लिए नहीं आती है, असफलता आपको नया कुछ सिखाने के लिए आती है। और वहाँ से जब आप कुछ सीखते हो, वहाँ से आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो आप सक्सेस के ज़्यादा करीब बेसिकली पहुँचते जाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको असफलताओं से सीखने की ज़रूरत है। स्टार्ट टूडे, यानी कि आप कोई भी जो काम है आपका वो आपको आज ही शुरू करना है। सबसे बढ़िया जो टाइम है, समय है किसी काम को शुरू करने का, तो वो बेसिकली आज ही है। बहुत से लोग आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन वो दिन उनके कभी नहीं आते हैं। आपको आज से ही स्टार्ट करना है, यानी कि आज ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है आपका किसी काम को स्टार्ट करने का। एक्सपर्ट ऑथर कहते हैं कि वो नौसिखिया बेसिकली एक्सपर्ट है कि जो किसी काम को लगातार करता गया, जब कंटिन्यूसली वो उस काम को करता गया तो वो उसमें बेसिकली एक्सपर्ट होता गया। अब अगर आप किसी काम को करना शुरू ही नहीं करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट कैसे बनोगे? जो भी एक्सपर्ट आज के दिन में किसी भी चीज़ में, कोई अगर एक्सपर्ट है, कोई एक्सपर्ट इंजीनियर है, अब वैज्ञानिक हैं, जो अभी हमने देखा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने मतलब कितना महान काम किया है, चंद्रयान 3 जो है चांद पर जो है लैंड हुआ है दक्षिण ध्रुव पर, तो वो कैसे किया है? क्या वो एक दिन में इतने वो बन गए? पूरी ज़िंदगी लग गई उनकी उसमें एक्सपर्टीज़ बनने में, तब जाके वो एक्सपर्टीज़ बने। तो यही चीज़ है कि आपको एक्सपर्टीज़ बनने के लिए लगातार उस काम को बेसिकली करना होगा। ऑथर कहते हैं कि माइंड गेम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खेल हैं वो ऑथर कहते हैं वो मैदान पे नहीं खेले जाते, वो बेसिकली दिमाग में खेले जाते हैं। जितना मजबूत मानसिक स्थिति का कोई खिलाड़ी होगा उतना ही बेहतर प्रदर्शन वो अपने मैदान पर करेगा। ईगो आपको दूर रखने की ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं कि ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सक्सेस के लिए, क्योंकि ईगो क्या होती है, हमको आगे बढ़ने से रोकती है, हम ज़िंदगी में कुछ नया सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ईगो के कारण हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम तो सब कुछ आता है, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नया नहीं सीखना है, हमें सब आता है। अगर यही माइंडसेट अगर हमारा रहेगा तो हम सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम कुछ नया अचीव कर ही नहीं पाएंगे। कैसे? क्योंकि हम नया सीखने के सारे रास्ते तो हमने बंद कर दिए हैं। तो इसलिए ईगो सबसे बड़ा एनिमी है आपकी सक्सेस का। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑथर कहते हैं कि एक इंसान वो है जो एक ही काम को 5 साल तक कर रहा है, वो कहता है मुझे 5 साल का अनुभव है, लेकिन उसको 5 साल का अनुभव नहीं है, क्योंकि वो एक ही काम को 5 साल तक कर रहा है। 5 साल का एक्सपीरियंस आप उसको कह सकते हो जैसे आप 5 साल तक आप हर साल कुछ नया सीखते रहे, उसको कहते हैं 5 साल का अनुभव। यानी कि पहले साल आपने कुछ नया सीखा, फिर दूसरे साल कुछ नया सीखा, फिर तीसरे साल कुछ नया सीखा, और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में 5 साल का एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। तो आपको फोकस देखो, आप देखो किस चीज़ पे फोकस करोगे आप, क्या एक ही काम को 5 साल तक आप करते रहोगे या फिर आप 5 साल तक नया कुछ सीखोगे, किसकी ग्रोथ होगी, किसको सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल जवाब क्लियर है कि जब सक्सेस उसको मिलेगी जो 5 साल तक हमेशा कुछ नया सीखता रहा। 3 रिलेशन डिसाइड करते हैं बेसिकली आपकी सक्सेस को। ऑथर कहते हैं कि एक मनी, एक टाइम और एक सेल्फ। यानी कि मनी से आपका रिश्ता कैसा है, टाइम के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आप अपने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, आप अपने समय का यूज़ किस तरह से करते हैं, और अपने साथ आपका रिश्ता कैसा है, अपनी ग्रोथ पे, अपने ऊपर आप कितना ध्यान दे पाते हो। दूसरा जो पार्ट है वो है हैबिट्स का। ऑथर कहते हैं कि फोकस ऑन हैबिट्स नॉट गोल्स, यानी कि आपको हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए, खाली गोल डिसाइड करके काम नहीं चलेगा। आप हैबिट्स जब डेवलप करोगे किसी चीज़ की, कि आप मान लो आपका कोई गोल है तो आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, कैसे पहुँचना चाहते हो आप वहाँ तक? आप जब कोई हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। मान लो 5 साल बाद आप कुछ कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, तो आपको आज से आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की, ताकि वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओ।
मान लो 5 साल बाद आपका लक्ष्य है, आज से 10 साल बाद आपका लक्ष्य है मुझे 10 करोड़ रुपए हासिल करने हैं, तो कैसे करने हैं? आपको आज से सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी पड़ेगी, अपनी जो आपकी अर्निंग है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, और तब जाके आप एक दिन ये हैबिट जो है वो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। ये थोड़ी कि आप 10 साल तक कुछ करो ही ना और 10 साल बाद आपको अचानक पैसे मिल जाएंगे 10 करोड़ रुपये। तो ये हैबिट्स आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, हैबिट्स आपको सक्सेस तक लेके जाती हैं, केवल गोल नहीं लेके जाते हैं। तो आपको हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। डू वॉट यू लव, वो काम करो जो आपको करना पसंद हो। बहुत से लोग उन कामों को कर रहे हैं कि जिन कामों को करने में उनको कोई आनंद नहीं आता है। तो ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, आपको ऐसे काम करने हैं जिन कामों को करने में आपको मज़ा आता हो, आपको खुशी मिलती हो जिस काम को करने में, क्योंकि उस काम को करने में आप कभी थकोगे नहीं, आप नॉन स्टॉप उस काम को कर सकते हो जब कितने भी लंबे समय तक आपको उस काम को करने के लिए बोला जाए। बिल्ड न्यू हैबिट्स फॉर सक्सेस, यानी कि अपनी सक्सेस के लिए जो है वो नई आदतें बनाओ। बेसिकली आप एक्सरसाइज की हैबिट्स बनाओ, आप रीडिंग की हैबिट बनाओ। तो जब आप इन हैबिट्स को डेवलप करोगे तो ये हैबिट्स आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगी। डू योर जॉब फॉर लर्निंग, नॉट फॉर सैलरी। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी जो जॉब है वो सैलरी के लिए नहीं करनी है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। क्या कुछ आप सीखते हो, ऐसी जॉब पकड़ो बेसिकली जिसमें आपको सीखने को मिले। ऐसी जॉब नहीं कि जहाँ आपको कुछ सीखने को ना मिले। अगर एक बार में आपकी जॉब लग गई और वहाँ आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, आप 10 साल वहाँ काट दोगे तो 10 साल बाद भी आप वहीं के वहीं रहोगे, क्योंकि आपको सीखने को कुछ मिला ही नहीं बेसिकली। तो आप हर दिन कुछ नया सीखने पर आप बेसिकली फोकस करो। डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हम देखते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हम अपना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं। हम लगातार स्क्रॉल करते जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता है। तो सोशल मीडिया का यूज़ आपको बहुत ही समझदारी से करना है। डिस्ट्रैक्शन को जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी से दूर हटाओगे और अच्छी हैबिट्स आप डेवलप करोगे, उतना ही आप सक्सेस के नज़दीक होते जाओगे। रीडिंग की हैबिट आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। रीडिंग की एक ऐसी हैबिट है जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा सकती है। महान लोगों की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का जो ज्ञान है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पूरा सीखा है उसको उन्होंने किताब का रूप दिया है, और उस बुक के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। उनकी क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या उन्होंने उनसे उन्होंने क्या सीखा, तो क्या उन्होंने स्टेप लिए। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, अगर उस बुक को, रीडिंग को अगर आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लोगे, तो आप देखोगे कि वो हैबिट आपको एक दिन बहुत ऊँचाई तक लेकर जाएगी। थर्ड पार्ट जो इस बुक का है वो है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको दयालु बनने की ज़रूरत है, दूसरों के प्रति आपको काइंड हार्ट रखने की ज़रूरत है। कोई इंसान किसी काम को अगर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कोई अगर बोल नहीं रहा है कि मेरे पे काम का बर्डन है, तो आपको ये मतलब अपने आप लगना चाहिए कि सामने वाला इंसान कितना काम बेसिकली कर रहा है। ये नहीं कि आप उसको बुरे तरीके से ट्रीट करते हो। दूसरों के प्रति जब तक आप दयालु नहीं बनोगे, जब तक आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अवेयरनेस, यानी कि आपको जो डिसीजन लेने चाहिए वो जागरूकता के आधार पर लेने चाहिए। इमोशंस के बेस पे या किसी के कहने पे आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए अपनी लाइफ के। आपको जागरूकता, कोई नॉलेज है, आपको नॉलेज आपको गेन करना है, आपको फैक्ट्स पता करने हैं, तब जाके बेसिकली आपको जो है वो डिसीजन लेने हैं। थर्ड पॉइंट है डोंट गो टू कॉलेज फॉर जॉब एंड फाइंड योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को ढूंढने के लिए आप कॉलेज जाओ, सिर्फ जॉब के लिए नहीं कि आप कॉलेज गए और वहाँ पर आप जो है सिर्फ इस पर्पज से बेसिकली जा रहे हो कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, कि मुझे डिग्री मिल जाएगी। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किस काम के लिए जाना है, आपको अपने आप को ढूंढो। आपका टैलेंट कौन सा आप में अच्छा है, नेचुरल टैलेंट हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट बेसिकली ऐसा होगा, तो उस टैलेंट को आप फाइंड करो, उसके लिए आप कॉलेज जाओ, वो ढूंढो, अपने आप को ढूंढो आप पहले। ये नहीं कि खाली बस डिग्री लेने के लिए आप कॉलेज जाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कीप क्वेश्चनिंग, ऑथर कहते हैं कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो, अगर आप कभी कोई पूछते नहीं हो तो आंसर हमेशा जो है वो ना होगा। नई चीज़ों को सीखने का, जागरूकता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन बेसिकली ये है कि आप कीप क्वेश्चनिंग, आप सवाल बेसिकली करते रहो। जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको पूछना सीखो। बहुत से लोग ज़िंदगी में पूछते ही नहीं है, कभी संकोच कह लो या जो भी कारण हो सकते हैं, वो कभी कुछ पूछते नहीं है, और इस कारण से वो ज़िंदगी में कभी कुछ नया सीख नहीं पाते। आपको ऑथर कहते हैं कि ईगो को आपको दूर रखने की ज़रूरत है, कि अगर आप अवेयरनेस पाना चाहते हो, क्योंकि सीखना अगर आपने है तो बेसिकली आपको ईगो साइड में रखनी पड़ेगी, कि हो सकता है दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा जानता हो, तो अगर उस इंसान से आपको कुछ सीखना है तो आपको ईगो किनारे करनी पड़ेगी सबसे पहले बेसिकली अपनी। आपको रीडिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। पार्ट 4 जो इस बुक का है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर कहते हैं कि इफ़ आई कांट ट्रस्ट यू, इट डज नॉट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, यानी कि अगर मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो। मान लो आप कोई जॉब करते हो, आपके बॉस आपके जो काम आप करते हो उसमें लगातार आपकी गलतियां निकालते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार बॉस तो बुरे इंसान है, क्योंकि वो हम हर मामले में हमारी गलतियां निकालते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमको हर कदम पे बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। वो एक हमें ऐसा इंसान बनाना चाह रहे हैं कि जो हम बेसिकली गलतियां ना करें, हम उस काम को इस लेवल पे लेके जाएं कि वो हम पे आंख बंद करके विश्वास कर पाएं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम उनको त्रुटियों रहित काम जो है देंगे, यानी कि बिना गलतियों का काम जब उनको देंगे।
तो वो ये सोच के अगर आप काम करोगे कि वो हमको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप किसी परेशानी का सामना नहीं करोगे। अदरवाइज़ हमारे दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि यार वो हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं, और हम हमेशा कटुता अपने मन में उनके प्रति रखेंगे और एक अच्छे माइंडसेट के साथ में हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो वहाँ पे विश्वास करें आँख बंद करके, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उनको बिना गलतियों का बेसिकली काम करके दो। ऑथर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट प्रोफेशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है बेसिकली। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी कि दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरे उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनकी लाइफ ऐसी होती है ताकि वो और लोगों को प्रेरित करें ज़िंदगी में महान काम करने के लिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो तभी आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी एक लीडर हो अगर आप, तो भी वहाँ पे आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटियाँ हैं वो बेसिकली वहाँ पे काम आ सकती हैं। आप अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हो, किस तरीके से उनको आप हैंडल करते हो, वो बेसिकली वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑथर कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज़ द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ लाइफ, यानी कि कंपाउंडिंग जो है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आप लगातार जब किसी काम को आप करते जाओगे, लगातार आप किसी काम को सीखते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे और आप बोलोगे यार मैं तो ऐसा लगता है जैसे कल ही मैंने इस काम को शुरू किया था और आज मैं आँख बंद करके भी इस काम को कर रहा हूँ। तो आपको लगातार कंपाउंडिंग का ध्यान रखना है हमेशा। कंपाउंडिंग बहुत बड़ा मिरेकल है। आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि शुरू के कुछ सालों में ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक समय बाद आप देखते हो कि बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आता है। ऑथर कहते हैं कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप की ये क्वालिटी होती है, एक एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी जो टीम है वो अपनी टीम को इस तरीके से हैंडल करता है, वो उन पर इस तरीके से विश्वास करता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली, निकाल के उनको नीचा दिखाने के लिए, वो बेसिकली उनको अप्रिशिएट करता है आगे बढ़ने के लिए। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कहता है कि आई ट्रस्ट यू नॉट बिकॉज यू नो एवरीथिंग, आई ट्रस्ट यू बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एवरीथिंग इन यूर कैपेसिटी टू फाइंड द आंसर। यानी कि मैं आप पे विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो, मैं आप पे इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जो है सब कुछ करोगे, अपने अनुभव के आधार पे तुम सब कुछ करोगे, कोशिश करोगे वो करने की, इस चीज़ का जवाब जानने की, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालने की। तो एक एंटरप्रेन्योर जब आप इस माइंडसेट के साथ में अपनी टीम को हैंडल करोगे तो आपकी टीम आपके लिए और भी बेहतर काम करके आपको देगी। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी बंद मत करो। एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो सीखना कभी बंद नहीं करता है, वो हमेशा नई चीज़ों को सीखता है, नई स्किल्स एक्वायर करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, मार्केट में क्या नया चल रहा है वो हमेशा नई चीज़ों को सीखने पे फोकस करता है, और वही वो अपनी टीम के साथ भी करता है, यानी कि वो अपनी टीम को भी हमेशा आगे बढ़ाने पे फोकस करता है। अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर, जो है मनी। मनी की जब हम बात करें तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको सेविंग और अर्निंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी इनकम का एक बड़ा भाग बेसिकली सेव करो। अब जैसे 20s में होते हैं, 25 है, 30s है, इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा जो भी उनकी इनकम्स होती हैं वो सब पैसा खर्च कर देते हैं, और जब वो 40s में पहुँचते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको इस उम्र में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग पे अपनी फोकस करना है, जितना पैसा आप अपना बचा सको, और अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना है, नई स्किल्स आप सीखो ताकि आपकी इनकम बढ़ सके, वहाँ से आप ज़्यादा पैसा बचा सको। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कर्ज को ना कहने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में कर्ज है बेसिकली तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो, आप फाइनेंशियली कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि कर्ज आपको कभी ऐसा करने नहीं देगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड से बचने की ज़रूरत है, आपको कर्ज को ना कहने की ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि जितनी आपकी जो सैलरी है ना उस पर कम पे आपको जीना सीखना चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जितनी आपकी इनकम है उससे कम पे जियो। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 35 में ही अपना सारा खर्चा चलाऊँ और 15,000 रुपीज़ में क्या करूँ, उसको इन्वेस्ट करूँ या उसको मैं सेव करूँ। तो अब ये नहीं कि 50,000 आपकी सैलरी है और खर्चे आपके 60,000 रुपये हैं, तो बेसिकली वो आप क्या कर रहे हो, तो आप कर्ज की ओर जा रहे हो। तो इससे आपको बेसिकली बचने की ज़रूरत है। पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फ्रूगल बनने की ज़रूरत है, यानी कि मतलब कंजूस ऐसा नहीं बनना आपने कि कुछ भी नहीं खाना पीना या कुछ भी आपको ज़िंदगी नहीं जीनी है। जितना ज़रूरी खर्चा है वो आपको बेसिकली करना है, मतलब बेफिजूल का खर्चा नहीं आपको नहीं करना है, फिजूल खर्चे से आपको बचने की ज़रूरत है, वो बेसिकली आपको लाइफ फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी शुरू करो, क्योंकि कंपाउंडिंग में हमने एक चीज़ देखी है कि उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 20s में स्टार्ट कर देते हो तो 50s तक पहुंचते 30 साल आपकी इन्वेस्टमेंट को मिलते हैं, और 30 साल बाद अगर आप देखोगे जो आपका जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का वो बेसिकली कुछ इस तरह, कुछ शुरू के कुछ सालों में इस तरह से रहेगा लेकिन आखिरी के सालों में वो इस तरह से ग्रोथ कर जाता है। तो कंपाउंडिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शुरू करना चाहिए।
आपको टाइम देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, और ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि जिनमें लिक्विडिटी हो। सपोज करो आपने ऐसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहाँ लिक्विड समय आने पर आपको जब पैसे की जरूरत हो तो लिक्विडिटी ना हो, आप उस पैसे को बेसिकली आप उस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली बेच ही ना पाओ, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका और नुकसान होगा। तो जब आपको ज़रूरत हो आप उस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली सेल कर पाओ, आपको ऐसी चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिक्स पार्ट जो है इस बुक का वो है रिलेशंस। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी सक्सेस के लिए, क्योंकि जब हमारे अपने साथ अपनों के साथ जब रिश्ते हमारे सही नहीं होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अचीव कैसे कर पाएंगे, हम फोकस कैसे कर पाएंगे बेसिकली वहाँ। तो आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर फोकस करना है, और सबसे पहले उसमें यह आता है कि लव योरसेल्फ। आप जैसे हो आप अपने आप से प्यार करो, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, सबसे पहले आप ये मान के चलो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो छोड़ दो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको अपने को प्यार करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप को आप महत्व दो बेसिकली। जब तक अगर आप खुद को ही महत्व नहीं दोगे तो कोई और आपको कैसे महत्व देगा, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन, रिश्तों में एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां ऐसी हैं जो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हो जाती है। हम खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही जवाब बनाते हैं, और आखिर में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा रिश्तों का एक बहुत ही एक पुल का काम करता है कि आप कम्युनिकेट करो प्रॉपर। ये नहीं कि खुद ही आपने एज्यूम कर लिया कि सामने वाला तो ये सोच रहा होगा, वो मेरा फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि पता नहीं मुझसे नाराज़ होगा या ये है या मुझसे दूरी बनाना चाहता होगा। हो सकता है कारण कुछ और हो। जब तक आपको फैक्ट का नहीं पता आपको एजम्पशन नहीं करनी है। आप कम्युनिकेट करो, बात करो प्रॉपर। किसी रिश्ते को आपको सुलझाना है तो बात बंद करके कुछ नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी उससे। बात करो कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करो। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आप ज़िंदगी में कैसे कुछ हासिल कर पाओगे, कैसे आप अपने रिश्तों को बेहतर कर पाओगे। टीचिंग एंड लर्निंग, अगर कहते हैं कि इंसान उतना खुद पढ़ के नहीं सीखता है जितना वो दूसरों को सिखा के सीखता है। तो आपको दूसरों को जो भी आप सीख रहे हो उसको आप दूसरों को सिखाने पे फोकस करो। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ परेशानी हो बेसिकली, लेकिन धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होती जाएगी, और आप अपने आप भी बहुत कुछ सीखते जाओगे। अगर आपको कोई चीज़ आती है, जिस चीज़ को आपने हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, आप दूसरों को उसको सिखाओ, दूसरों को उसको सिखाने पे फोकस करो, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँ और उससे आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑथर कहते हैं कि डोंट आर्गू। रिश्तों को अगर बेहतर बनाना है तो आपको बहस से दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसमें इनपुट नहीं दोगे ना आउटपुट नहीं निकलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, बहस में लगातार इनपुट देते हैं, तो जब हम इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट भी बहस के रूप में मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहस से आप किनारे रहो जितना हो सके। बाद में हो सकता है उस टॉपिक पर बात कर लो, लेकिन उस समय उसमें बहस मत करो। उस मुद्दे पर बहस करके कुछ नहीं होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट पोजिशन। अपने बिहेवियर पे आपको फोकस करना चाहिए। एक इंसान वो है जो अपने जो सम्मान होता है उसका, वो उसके व्यवहार के कारण होता है, वो उसके पोजिशन के कारण नहीं होता। कि कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो मतलब उसका बहुत कोई इज्जत करेगा, एक व्यवहार के कारण होता है। एक व्यवहार के कारण लोग, आपने देखा कि पियोन की भी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है तो चाहे कंपनी का चेयरमैन क्यों नहीं है, लोग उसकी भी इज्जत नहीं करते। तो ये बात को आपको ध्यान रखनी जरूरत है कि आपको अपने व्यवहार को बेटर बनाने की ज़रूरत है। अपने व्यवहार को आपको ऐसा रखने की ज़रूरत है लोग आपके व्यवहार को बेसिकली सम्मान करें, आपकी पोजीशन को नहीं। क्योंकि पोजीशन तो आती रहती है और जाती रहती है। आज जरूरी थोड़ी कोई वाइस प्रेसिडेंट है कल भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन आपका जो व्यवहार है वही आपके साथ में हमेशा रहेगा और वही लोगों को आपसे जोड़ के रखेगा। वो फेविकोल का काम आपका व्यवहार करता है बेसिकली, जो आपको जोड़ के रखता है। तो दोस्तों इस बुक में हमने 6 पार्ट में सीखा बेसिकली, सक्सेस के बारे में सीखा, हैबिट्स के बारे में सीखा, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी और रिलेशंस के बारे में। यानी कि अगर आपको सक्सेस अपनी ज़िंदगी में हासिल करनी है तो इन 6 पार्ट्स में आपको कॉम्बिनेशन बनाने की बेसिकली ज़रूरत है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे।